आप बोलते हैं जिम जाने वाली पब्लिक, उम्मीद है मेरे भाई लोग आप लोग सब कोई फिट हो गए। फुल वर्कआउट चल रहा है, ताबड़तोड़ मेहनत चल रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों नहीं? लंबे दौर तक के वर्कआउट नहीं हो रहा है और आप बिल्कुल ही थक जा रहे हैं। मसल रिकवरी जल्दी नहीं होना, जिम जाने के बाद बॉडी में पेन होना, अरे दादा रे, ये सब चीज का इलाज हाँ। और जो मेरे वेजिटेरियन भाई हैं, उनके लिए बहुत ही ताबड़तोड़ चीज है क्रिएटिन, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में क्रिएटिन एकदम ना के बराबर होता है। इसलिए जो वेजिटेरियन जो मेरा भाई है, मेरे प्यारी जनता है जो वेजिटेरियन है, जो मांस मछली अंडा चिकन ये सब नहीं खाती, उनके लिए क्रिएटिन बहुत ज़रूरी चीज़ है और उन्हें लेना ही चाहिए। क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो तीन प्रकार के अमीनो एसिडों से बना होता है। फर्स्ट है मेथियोनीन, दूसरा है आर्जिनाइन, तीसरा है ग्लाइसिन। कैसे ले इसका डोज? जो रेगुलर जिम जाते हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे भाई जो अच्छे खासे जिम आना उनका आना जाना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कई सालों का, वो वर्कआउट के बाद 5 से 6 ग्राम तक के क्रिएटिन पानी डाल के ले सकते हैं पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। और जो मेरे भाई जो नए हैं, जिम अभी अभी आना स्टार्ट किए हैं, जो बिगिनर है, जो कुछ नहीं जानते, वो 2 से 3 ग्राम क्रिएटिन आप ले सकते हैं। क्या क्रिएटिन से साइड इफेक्ट होता है? ना, बस आपको अपना वाटर लेवल को ऊपर रखना है, यानी कि पानी ज़्यादा पीना है। वैसे की अगर हम बात करें, क्रिएटिन बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल जाता है आराम से, और आपका भाई यानी कि मैं फास्टअप क्रिएटिन को यूज़ कर रहा हूँ। ये भाई मेरा फास्टअप क्रिएटिन, इसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये मेरे को 600 रुपये का पड़ा था, जो कि एकदम किफ़ायती और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसका सर्विंग है 1 स्कूप 3 ग्राम, 83 सर्विंग है इसमें। जो भी भाई क्रिएटिन लेना चाहता है उसके लिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना है आपको, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये था भाई फास्ट अप का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका रिव्यू आपको दिया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, तगड़ा रिजल्ट है और बहुत ही किफ़ायती दाम में मिल जाता है बाकी क्रिएटिन से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। आज के लिए इतना ही, आगे आपसे और मुलाकात होगी नई वीडियो में। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बरसते रहे। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।